Charge set. Ballistic shield deployed. अरे रे रे तो चंका स्टन ग्रेनेड मार ब्रो क्या जटी जॉटी केड़ी बेचारा भाई किक करने को बोलो ना भाई अरे तुम लोग डिस्कॉर्ड पे आओ ना भाई क्या हो गया सार्कास्टिक जॉटी
secure the bombs. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Setting up. Loading new mag. Detected if you remain in this area. Your location is compromised. Time for destruction. Someone's on frost mat. Oh, fuck. ब्रो हम लोग क्विक क्यों खेल रहे हैं? रैंक क्यों नहीं खेल रहे? अच्छा. यो गाइस, इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, रियली अप्रिशिएट इफ यू डू लाइक द स्ट्रीम एंड जॉइन मी एज अ मेंबर और एज अ सब्सक्राइबर. Hey bro, how are you? Guys, if you like the stream, I'll really appreciate if you do hit the subscribe button. And if you have any questions, you can ask the question in the chat. We are playing some Rainbow Six Siege. Alibi is OP. If you have any questions regarding the AMD platform, you guys can come and you guys are welcome to ask any question you have. Let's goal for 20 likes today. So if you guys are watching the stream, the goal for today's stream is 20 likes. I'll really appreciate if you do that. If you help me out here so that I can, you know, keep making good content. Thank you for the likes, bros. You guys can support the channel with the memberships as well. The membership, मैंने सारे tiers जो हैं वो हटा दिए हैं. There is only a standard membership. Everybody gets a you know, similar taste of the membership. So if you guys want to, you guys can help me out over there as well. Spotted.
प्रिज्म इतना दूर कैसे चला गया? ओ टू गाइज ऑन द बैल्कनी। एक और एक और एक और। जी जी ब्रो। सेंसर एक्टिवेटेड। गेम क्रैश भाई, गेम क्रैश हो गया मेरा। हे गाइस, गेम क्रैश हो गया है तो अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। थैंक यू फॉर द 5 लाइक्स ब्रोस, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड गाइस, मैं इंस्टाग्राम पे रेगुलर हाइलाइट्स डाल रहा हूँ फॉर द डेज फ्रैग्स जितने भी होंगे। तो इफ़ यू गाइस आर ऑन इंस्टाग्राम IGTV पे जाके यू गाइस कैन चेक आउट दोज मोंटाजेस, बहुत ही मज़ेदार है, जाके जाओ चेक करो ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक रियली फॉलो मी ऑन इंस्टा एज वेल, बिकॉज उस पर भी काफ़ी सारा कॉन्टेंट आ रहा है धीरे धीरे। हर बार स्ट्रीम का एक बार रीसेट तो चल ही जाता है। सर्वर पे आ जा ब्रो। मुकुल मालवीय वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। 3600 प्लस 5700 XT बिल्ड में गेमिंग प्लस रिकॉर्डिंग नॉट स्ट्रीमिंग, इज इट गुड? यस इट शुड बी, इट शुड बी ब्रो। रिकॉर्डिंग तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ है प्रिंस, कहाँ है? ठीक है, नाउ AMD का जो रिलीव वाला सॉफ्टवेयर है दैट इज क्वाइट ओके एंड यू कैन यूज इट फॉर रिकॉर्डिंग बुक विदाउट एनी इश्यूज। ठीक है, तो उस हिसाब से AMD मीडिया एनकोडर इज क्वाइट ओके, बट बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड टू यू नो फेस सम इश्यूज रिगार्डिंग समथिंग। एंड कौन सा 5700 XT ले रहे हो, किस प्राइस रेंज पे ले रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ 5700 XT इज अ कार्ड विच ट्रेड ब्लोज विथ 2070 एंड प्राइस पॉइंट उसका 2060 सुपर जैसा। इंडिया में आई थिंक थोड़ा महंगा है, तो इंडिया में AMD के कार्ड्स का हमेशा से महंगा रहा यार इंडिया में।
इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ओ प्रिंस को बुला लो यार। और मुकुल भाई और बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में। जॉटी आ रहा है क्या? बता दे भाई, डिस्कॉर्ड पे आ जा प्रिंस। ओके डिस्कॉर्ड पे आ जा प्रिंस। आ गया चालू करें। रुक जा रुक जा, डॉक्टर भी तो है। डॉक्टर अच्छा यूनिट का डॉक्टर भी है। बुला बुला। 5700 XT ईवो कोसी है, कितने बिट रेट तक रिकॉर्डिंग हो सकती है? बाय द वे जिंदगी झंड हो रखी है। अरे हाँ वो तो है भाई, जिंदगी तो झंड हो रखी है। 5700 XT यार बिटरेट का तो देखो मेरे पास ये कार्ड है नहीं, तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि कितने तक हो सकता है। बट वॉट आई कैन अंडरस्टैंड इज इजीली तुम 50 से 100 मेगाबिट पर सेकंड के बीच में, मतलब 100 मेगाबिट पर सेकंड इज क्वाइट ओके, मतलब ये उतना होता है जितने में तुम्हारा क्वालिटी जो है काइंड ऑफ इन गेम रहता है, ठीक है। बट 100 इज टू, मतलब बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, यू डोंट इवन नीड दैट काइंड ऑफ क्वालिटी। तो मैं तो जो रिकॉर्ड करता हूँ वो मैं जनरली 40 मेगाबिट पर सेकंड पे करता हूँ। बट आई डोंट नो एक्चुअली AMD के उस कार्ड पे कितना है। अगर मेरे पास कभी फ्यूचर में कार्ड आया तो डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। डॉक्टर आ गया, चलो आ गया। मिक्सर पे पता है हमारे 51 फॉलोअर हो गए, गजब। ट्विच पे 490 हुए हैं, 91। मिक्सर बड़ी जल्दी बढ़ रहे हैं। मिक्सर में 51 ही हुए हैं, जल्दी कहाँ बढ़ रहे। तुम मिक्सर में स्ट्रीम करो, बट इसमें क्या है, हाँ तेरा तो चल जाएगा स्ट्रीम वैसे मिक्सर। मिक्सर में थोड़ा सा प्रो गेम दिखाना होता है बस। डेस्कटॉप होता तो मैं हर जगह स्ट्रीम कर रहा होता। डेस्कटॉप बना लेना। बनाऊंगा। अबे डोको भी ना करो यार, डोको भी ना करो। ब्लिट्स करेंगे ना। जॉटी भी आ गया। जॉटी तो खेल ही रहा था, फिर पता नहीं क्या हुआ। सुनो इसके बाद अगर वो होगा ना तो फिर 3-3 डिवाइड कर लेंगे, इस तरीके से खेल लेंगे। डिस्कॉर्ड पे आ जाओ सारे, मतलब दो टीम्स बना के खेलेंगे रैंक्ड में, ऐसी क्या बात है। जो लोअर रैंक वाले होंगे वो मेरे साथ आ जाना। मैं भी आ रहा हूँ। आ जा। अब ऑन कर। अभी फिर 4-4-3 खेलना पड़ेगा फिर, है ना? चलेगा चलेगा। आया एक मिनट ऑन करो। सरगास्टिक पूरी स्ट्रेटजी बना के आया क्या? ले भाई तू कह रहा है मैं हेडलॉक लेता है। ज़्यादा वो मत करो इस पे। तूने वो देखी वीडियो आज कोकोनट ब्रा वाली?
देख रहा था, फिर से देखते देखते सो गया। भाई साहब आधा 36 मिनट तक उसने बटर 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 कर ही रखा। 33 मिनट देख पाया मैं। कुछ कुछ तो पुरानी चीजें ही थी। इसका एक उसने बताया ना वो धक्के मार के ऊपर जाने वाला, देखा तो ना? हाँ, पोस्ट लाइन। वो अच्छा था, अच्छा था। मैं करूँगा सार्कास्टिक। ये तेरा नाम है कि तेरा कैरेक्टर है? मतलब तू सच्ची में सार्कास्टिक है क्या? वो वाले जो ट्रिक्स है ना वो भी अच्छे तेरे। कौन सा बता? जो C4 वाला बताया ना उसने। हाँ हाँ हाँ, वो भी सोच रहा था मैं। मेरा GTA 5 का सारा स्टोरी मिशन खत्म हो गया। कांग्रेचुलेशंस ब्रो। हाँ, अगर तेरा वाइट मर जाता है उससे बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ, बट उसके लिए टाइम वो करके करना पड़ेगा। मतलब पूरा कोऑर्डिनेशन चाहिए उसके लिए टीम का। इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। यही है ना, काम कर सकती है। इसी इसी से था ना वो। आजा करना ही क्या, चल करते हैं ना। बट कहाँ पे वो याद ही नहीं। वो इतने माइंड पे है इसके इधर इधर। आओ तुमको धक्का मारे। चढ़ से चढ़ो तो धक्का मारता हूँ। तुम चढ़ोगे ना पे? अरे अरे ये तो कुछ और ही हो गया। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लग रहा। हाँ तुम चढ़ाओ। कैसे चढ़े हैं? उसने बोला था बहुत घंटों घंटों तक ट्राई करना पड़ता। छोड़ देते हैं, ये लोग भी सोचेंगे क्या चुतियापा कर रहे हैं। अरे अरे उसके बक्से के पीछे लेटा हुआ है। कॉल कर लीजिए। हम जा रहे हैं सुपर कंप्यूटर खरीदने। कौन सा सुपर कंप्यूटर? अच्छा अच्छा GTA में। गजब सार्कास्टिक बढ़िया। हाँ भाई रैंक में। अभी इसके बाद फिर दो टीम से डिवाइड हो जाएंगे, फिर रैंक के लगे। अच्छा अभी तो नहीं गया ना सार्कास्टिक? नहीं हो गया ना रैंक, एक राउंड फर्स्ट राउंड चल रहा है। अरे मैं कह तो रहा था जब तो आया उससे पहले ज्वाइन हो चुका थे, अंधा हो गया था। ये भी अभी मेरे पे है ही नहीं, मैं करने आ रहा था। क्या नहीं राइट पे मार 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 उस पे वॉल बैंक कर। वो रहा। उसका पिलना जरूरी था भाई। सार्कास्टिक एस लेते थे रह गया। हाँ भाई 360 पे बेटर है, हाई करके ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि मैं शाउट की वीडियो देखता हूँ ना, तो ज्यादा बेहतर लगती है कंपेयर टू इंडियन। डॉक्टर ने सिरा लिया ना, तो ज्यादा बेहतर लगती है। नॉर्मली लोग 360 पे वीडियो देखते हैं शायद इस अगर ब्रो, बट 360 वीडियो छोटे स्क्रीन पे इधर को उतना अच्छा दिखेगा। अबे मैं टीम में देखो 3 YT नहीं 4 YT है। गजब। मैं 4 YT का है, मैं तो नहीं। हां तो लिखा नहीं है ना, पर हो तो स्ट्रीम कर रहे हो तुम में से कोई? बट 360 पे जितना भी करेगा उसको जैसे ही तो थोड़े बड़े स्क्रीन पे देखोगे तो वो फटली जानी, दैट इज द इशू। तो 360 पे भी अगर 1080p पे क्वालिटी अच्छी है तो 360 पे भी क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो वो तभी पॉसिबल है अगर मैं 1080p पे करूँ एट 6000 Mbps, जो कि पॉसिबल है काफ़ी। बट सिंगल पीसी में थोड़ा ओवर स्ट्रेस हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा क्वालिटी सैड होना पड़ता है। या फिर डुअल पीसी सेटअप में जाओ, डुअल पीसी सेटअप में दैट इज पॉसिबिलिटी। या फिर RTX 2080 Ti, तो मतलब उस लेवल का कार्ड चाहिए, 2080 सुपर, एटलीस्ट 2060 सुपर, बिकॉज उसके अंदर RTX कोर्स रहते हैं। तो वो अभी इसके बाद से वो स्ट्रीमिंग के लिए भी वो अच्छा होने लगेगा। आई जेन इनोवेशंस वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। क्यों फॉलो करे भाई सार्कास्टिक? प्रेसिडेंट है तू कल है? अरे रे कूल डाउन हो गया। कह रहे मैंने तेरे का डुअल पीसी। एग्जैक्टली
और डुअल पीसी में यू कैन डू दिस। साला कोई मेरे को वो ना कर दे, आज बहुत डर लग रहा मेरे को। सब अपने आप को ये देख गया, कितना रो कर दिया मुझे पता था। कहां से मारा? एक वो छेद से, देखो देखो कौन से छेद से, कौन से छेद से टिंकर? अरे मतलब इधर नीचे के मेन गेट पे छेद किया था। अच्छा ये घर भी नहीं लिया सालों ने। तीनों यहीं पे तो सी फोर फेंक देगा ना, ये कोई रन आउट कर देगा पता है। मैं नीचे से जा रहा हूँ। नॉनसेंस छोड़ ही गया, क्या हो गया? अरे यार ये भी कोई तोड़ देता। डॉक्टर कौन तोड़ देता? अरे अरे लेफ्ट साइड पे था, हार गए राउंड तो। गंदा 1-0 है। अरे भी 1-1 हो जाएगा ब्रो। डुअल पीसी से कोई भी स्ट्रीम कर सकता है डिसेंट सा, दो पीसी अगर है तो। हाँ बट उसके लिए कैप्चर कार्ड चाहिए ना ब्रो। राइट साइड पे छुपा हुआ था। आज सब बेंचो तो अपने आप को सुअर समझेंगे एकदम। डुअल पीसी होता है जनरली, डुअल पीसी इज इजियर बट मेरे लिए, मेरे पास कैप्चर कार्ड है बट मैं डुअल पीसी ट्राई नहीं कर सकता। तेरे राइट पे था ब्रो, कैड था शायद राइट पे। 25 से हेडशॉट ना पड़ जाए। 25 से 25 से हेडशॉट। कोई रन आउट किया लेकिन उड़ गया। अबे आने तो दो उसको बाहर पहले। वो उड़ गया कुछ जा, अंदर कुछ जा। हो आपके पास है क्यों नहीं करते? क्योंकि मेरे को जो दूसरे पीसे जिससे बेंचमार्क बनाता हूँ ना वीडियोस पे, हाँ तो उस वीडियो उसके लिए मेरे को कैप्चर कार्ड की जरूरत होती है। आप लोग डिमांडिंग गेम्स लाइक पबजी पीसी एपिक्स क्यों नहीं खेलते भाई? हाँ सब मेरे को इनवाइट कर लो, जॉटी इनवाइट कर रहा है, भी इनवाइट कर रहा है। हाँ मेरे को भी किया भाई, बैन हो जाएंगे। Nonsense has returned. Apex Legend and PUBG PC, PUBG PC इसलिए नहीं खेलता because बहुत ही mess type का game रहता है and now this game is like better than that and ये भी demanding है bro, this is a triple A title. ठीक है, this is one of the you know more optimized games available out there. Otherwise this is kind of very demanding. But इसका क्या, because it is an e-sports game so इसकी quality ऐसी है कि हल्के हार्डवेयर पे भी थोड़ा चल जाता है। थोड़ा सीढ़ी लगाना जो फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियां जाती हैं। अच्छा 40 इंच पे 360 पे देख रहा हूं, स्ट्रीम बेकार लगता है तो भाई। हां मतलब फर्स्ट फ्लोर की जब स्टार्टिंग है 720p पे कर रहा हूं मैं यार, क्वालिटी इज क्वाइट डीसेंट 720p पे कर रहा हूं भाई। बस वो कोई वहां से तोड़ ना। हां अगर पीछे होगा देख लेगा या कोई ड्रोन देख लेगा ना, इसी लास्ट में लगा जाता। 720p पे तो मैं कर ही रहा हूँ स्ट्रीम, उस पे करो उस पे स्ट्रीम। मैं तो ट्विच पे देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छा स्ट्रीम आ रहा है। इट इज लाइक मतलब बिना ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं जीपीयू एनकोडिंग कर रहा हूँ, मैं तो लग रहा है मैं सीपीयू एनकोडिंग कर रहा हूँ, इतना क्वालिटी अच्छा। 720p पे देखना पड़ेगा बट 360 पे अगर तुम 40 इंच पे देख रहे हो तो भाई तो वो तो होगा ही इतना। थोड़ा ट्राई किया आप लोगों की बात सुन के, क्या ट्राई किया 720p? हाँ साफ मिला थोड़ा। तुम सांप लियो भाई, चलो हम तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। इधर ही बंदा है। ओह शिट मैंने बंद फेल दिया साले को। अरे मैं हूँ भाई,
बंदा तुम है। कैमरे नहीं फोड़ रहे हो भाई? मैं कैमरे नहीं फोड़ रहा। Because I am a nook, a dead nook. अरे रे राइट साइड से आ गया सालो। आ रहा रे। पहले ही घुस गए थे। फ्लैश होने से पहले ही घुस गए थे। नहीं नहीं मैं राइट से मारा ना उसने, वरना मैं राइट कवर नहीं कर पाया उतनी जल्दी। GTA 5 का लास्ट मिशन मस्त है। अच्छा ब्रो खेलूंगा कभी। तुम लोग कैमरे नहीं फोड़ते पता है? तो मेरे सामने कौन था नॉनसेंस ने कैमरे नहीं फोड़ा इसलिए दिक्कत है। उसने वैल्करी का कैम छोड़ा। मैं कहता हूं तब से कैमरा तोड़ो। मैं तो नुक लेता हूं तब नहीं तोड़ता हूं, वरना पता चल जाएगा मैं लड़ते आ रहा हूं। एयर जैब यूज करना भाई। वो देखो छेद बनाया वो स्प्रे कर दे। डॉक वहीं बैठा हुआ था उसे मार दे उसको ने उस दरवाजे में मार दे। एक ड्रोन अंदर फेंक काम देखें। हाँ राइट में डॉक उधर गया, उधर से एंगल ले रहा है। 15 seconds remaining. लोड कर रहा है। 10 seconds. वापस पिक किया। अरे रे। ये बड़ा उफ उफ कर रहा है वेंचर। डिमांडिंग लाइक जो अभी ट्रेंडिंग गेम्स चल रही है। हाँ ब्रो जितनी भी गेम्स है रेनबो सिक्स सीज, कॉल ऑफ ड्यूटी, एपेक्स लेजेंड, पबजी, पीसी एंड और क्या है, जो भी गेम्स है ब्रो जितनी भी गेम्स की बात कर रहा हूँ मैं, एंड एक्सेप्ट एम्युलेटर वाले जो बंदे हैं उनका छोड़ दो, अदरवाइज जितने भी डिमांडिंग गेम्स हैं सब चल जाता, कोई इशू नहीं। आई फाई वाला ब्रो मेरे पास वो बिल्ड नहीं है, दैट इज मेरा जो टेस्ट बेंच है ना, टेस्ट बेंच के अंदर आई एम यूजिंग दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो टेस्ट बेंच में क्या होता है मेरे सीपीयूज एंड मदरबोर्ड चेंज होते रहते हैं ताकि मैं बेंचमार्क कर सकूं। तो इसलिए अगर तुम छोड़ो जेकर्ड वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। ना मैं चूज नहीं कर पाता रैंडम आई है। डॉक्टर स्पॉन पिक कर भाई दो चार। AMD का 4700G आ रहा है। हाँ ब्रो एक लीक आउट हुआ है, उसके हिसाब से 8 कोर 16 थ्रेड के साथ आने की उम्मीद है। वैल्करी इसके बाहर एक कैमरा भेज दें। अरे बाहर फेंकना भाई, इधर क्यों फेंका? बंदा आया। लेट हो गया वेंचर। अरे उधर पूरा गेट खुला है। ओहो नॉन से कहां पे ले? बंदा आ गया ब्रो। You're about to get scanned. Starting the timer.
अरे रे शिट दो लोग साइड साथ में पिल रहे मैं सी4 फेंक रहा था उधर प्रिंस क्या हो रहा है तू वार्म अप नहीं क्या कहां मैं तो अभी स्टार्ट ही किया था अरे इधर ओके बूमर साले हमारा हो गया सुनो विंडो से दूर रहो लेट देम कम इनसाइड विंडोज वगैरह से दूर रहो ट्रैप्स लो ट्रैप्स जितने भी ले सकते हो फ्रॉस्ट ले लो कोई ट्रैप्स लो ट्रैप्स हाँ जितने भी अंदर आने वाले रास्ते हैं ना हाँ जितने भी अंदर आने वाले रास्ते हैं उसमें सिर्फ ट्रैप्स लगाओ लेट देम सिर्फ ट्रैप ही तोड़ने दो उनको शुरू में और विंडो से दूर रहना कुछ भी करो भाई किसी ने रेनफोर्स नहीं किया मैंने कर दिया यहाँ पे नहीं हुआ भाई यहाँ पे रेनफोर्स कर दो जल्दी वरना कोई खिड़की से पेल देगा आ गए पीछे का देखना क्या आपने एनिमी देखते हो हाँ ब्रो मैंने बहुत एनिमी देखी सार्कास्टिक पीछे का देख लियो वरना मर जाएंगे सॉरी 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 ग्रेड लॉक एक हुक्का बाहर से गुजरा जयकाल इंजर हुआ बढ़िया मैं तो कुछ करने जरूरत ही नहीं है मैं तो लेटा हूँ जयकाल लेटा आओ यार फटाफट क्या सो रहा है one out four remaining बंदा पता नहीं मुझे नहीं पता था इंपैक्ट से मरेगा मैंने तो कुछ भी किया ही नहीं आइडियल इंसान वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो क्या हालचाल है एक मैच भी हार गए तो हम लोग हार जाएंगे बेहतरीन खेलते हुए और क्या हम लोग प्रो इसे बोलते हैं पट साइड शॉट एमुलेटर में नहीं बेंच किचन किचन लेट्स गो टू द किचन टुडे मॉल जाओगे अभी कोरोना हो जाएगा
हाय आदिल इंसान ब्रो, क्या हाल चाल है? हाउ आर यू ब्रो? चरोना गाइस, इफ यू लाइक द स्ट्रीम आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू डू फॉलो द माय ट्विच चैनल. आई स्ट्रीम एवरी डे एंड इट विल बी रियली हेल्पफुल इफ यू गाइस डू स्ट्रीम बिकॉज़ आई प्ले सीज GTA एंड ऑल काइंड्स ऑफ क्रेजी गेम्स. सो आई रियली अप्रिशिएट इफ यू डू हिट द फॉलो बटन. वी आर ट्राइंग टू हिट 500, सो लेट्स जस्ट वेट फॉर दैट. ब्रो मैं पीसी लेने वाला था पर अब लॉकडाउन के बाद ले पाऊंगा क्योंकि इसकी पीसी फटी हो. वो तब कितने का पड़ेगा? रेटो ग्रेमर ब्रो, आई डोंट थिंक द प्राइसेस आर गोइंग टू बी सो हाई. द प्राइसेस विल बी वेरी मच, यू नो, दे विल बी लिमिटेड टू द करंट प्राइसेस जो अभी भी देख रहे हो. गाइस सेम स्ट्रेटजी लास्ट टाइम की तरह. यहाँ पे एक छेद बना देना. एक और शॉटगन मार इधर यार. Zogni, you are coming inside. एक को ले लिया. रेट्रो ब्रो कुछ भी नहीं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मार्केट एंड एवरीथिंग. ओ ज़ोफिया इन द ग्राउंड फ्लोर, सो डोंट वरी अबाउट इट. एंड गाइज इफ यू आर जॉइनिंग मी ऑन ट्विच आई रियली अप्रिशिएट इफ यू डू फॉलो द चैनल सो दैट व्हेनेवर आई एम लाइव यू गाइज कैन कम एंड जॉइन मी. Hey, TechTubeLite, okay, welcome to the stream, bro. What do you say? ज़्यादा हो सकता है, but I don't think ज़्यादा होगा, because India में stock इतने ज़्यादा होंगे. 15 seconds left. Just hold, guys. Just hold, hold. 5 seconds to go. Op4 has placed a defuser near a bomb. Destroy it. Diffuser located. Disable it. Maestro, cam use kar apna. Op4, last stop standing. Arre bahar hai bahar. Bahar hi ek banda, usko maar ja ke. Ek banda maro, dusra wo karo, hit karo. Fake kar, fake kar. Mujhe maro. Maro bhai. Kar kar, diffuse kar. Oh, nice, GG bro. ज़्यादा प्राइसेस अभी तक शॉट अप आई डोंट थिंक इतने ज़्यादा हुए हैं ब्रो. जीत रहा जीत गए, धीरे धीरे हो गया.
Whoever is joining me on Mixer, guys, thanks a lot for following. I really appreciate if you do follow the channel as well. And same with Twitch, guys. If you are watching me on Twitch, I'll really appreciate if you do follow the channel. Drop in a hi. We'll just have some good discussions. I am Professor Tech. याना लेके खेलूंगा ऐसा कहते हैं या ना लेके या नहीं लेते देखते हैं एक किल अगर ले पाए तो मेरे पीछे रहने एक बंदा मेरी एक ही किल है वाह कोई बात नहीं कभी कभी हम भी कैरी कर लेते तुम लोगों अच्छी बात है हाँ मेरे साथ ही हो भाई तो और भाई जा विजिल विजिल वही अरे यार पेंट हाउस ले लिए तो पेंट हाउस ही लेंगे भाई अब वही है कैसे इनको पेलना है ये घर है क्या इनके पास कापकान ट्रैप्स होंगे वेलकरी कैम्स होंगे कैम्स को मारने की कोशिश करना थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग स्पॉन पेज नहीं होना तो वो देखते रहना ना ओए फ्रेंड्स मेरे को डिस्कॉर्ड से निकाल अरे प्रिंस क्या कर रहा कैमरे तोड़ देना भाई घुसो मैं प्रिंस अंदर मैं तो घुस गया हूँ बॉम्ब किसके पास है आ जाओ कहाँ है बंदे है ही नहीं इधर शिट अरे रे गंदा गंदा मेरी फट रही है अब मार 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 दो को मार किया किधर गया दो लोग ये देखो मार किया ये दोनों गैलरी पे हैं लंबी वाली गैलरी पे हैं दोनों प्लांट करो हाँ पीछे 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 ओ यार प्रिंस जी जी तोड़ना पड़ेगा तेरे को प्लांट मार दे कोने में नीचे ना हो बंदा कोई नीचे था ब्रो शायद वो नहीं नहीं सामने था हमने यहीं पे उधर से आते हुए मुझे मारा था फेक कर फेक कर फेक कर लोकेशन चेंज करके फेक कर जी ब्रा गजब नाइस नाइस अमेजिंग प्ले ब्रो वहीं पे लेटा हुआ था हरामी हाँ ब्रो अभी नहीं जीते अभी एक और मैच नहीं वो तो राउंड की बात ही कर रहा होगा people who have joined me on the hype zone channel I really appreciate if you do follow the channel as well guys I am professor tech and guys who have joined me on twitch thanks a lot for watching guys सेम सेम सार्कास्टिक कमेंट मैं पास कर उनको जलाऊं उनकी थोड़ी
बैंडेज लेता हूं। अरे वो तो लो, तुम लोगों ने एक भी नहीं लिया इस बार, कापकान शापकान। अबे धरका से कटवाएगा तू। अरे अरे सालो डिफेंस कैसे करोगे? यहाँ तो कोई करो भाई। No, भाई मैंने तो कर दिया, पता नहीं क्यों किया। R4 has located a bomb. Get ready to engage. Set device. Playing my trump card. ADS up and running. इधर का कौन किया यार? फिर रह गया इनपुट नहीं। अरे रे छी छी कितना गंदा मरा मैं। मैं कैंप्स पे हूँ, बंदा आया, ये बक अंदर घुसा है मेन डोर से, स्टेयर्स की तरफ जा रहा है। ये एक और घुस गया, बाकी है शायद दिखाने। स्पॉटेड हो गया। कहाँ से किया? विंडो से। मैंडोर चिकन बिचन बॉक्स। अरे रे एंटर्ड एन एनिमी कंट्रोल्ड एरिया, लीव नाउ, यू हैव बीन स्पॉटेड। अंदर ही अंदर ही। शिट, ऑल फ्रेंडलीज वर एलिमिनेटेड। शीट वाह, माय जरूरत है यहां पे। मैं, अरे तुम लोगों ने एक भी डिफेंस वाला लिया ही नहीं, मैंने सोचा था वो ट्रैप ट्रूप वाले लेंगे। तुम लोगों ने अपने अपने हिसाब से ले लिए। बैंडेड की तो जरूरत थी इसलिए लिया था मैंने। नहीं नहीं वैसे नहीं बोल रहा, मतलब क्योंकि वो लोग तो अंदर तो घुस ही जा रहे हैं ना, वही रोकना था। अटैक है ना, विद अटैक में तो उनका कोई लॉक है? नहीं लॉक है, हो सकता है उनका बाइल है। हाँ लॉक होगा ना उनका एक। नहीं अरे होगा ना, एक राउंड जीते ना वो लोग। लेकिन नहीं है, लोकेशन में दिखा देता लॉक होता तो। अच्छा अच्छा हाँ, वो लोग हम लोग उल्टा उल्टा राउंड जीते हैं, मतलब अटैकिंग जीता है दोनों ने। क्या स्कोर? 4 ईच। बेहतरीन बेहतरीन। कैंप हैक करेगा? कर ले। अबे किचन ले लिया यार। चाले खेल रहा? नहीं कोस्ट लाइन। मेरा बैग भी एडलिस्ट कर दो। कहाँ गए तुम लोग, चले गए क्या? ट्राई करते हैं। स्मोक नहीं है, स्मोक नहीं भी होगा। स्पॉन पिक से बचना। अबे इधर एक वो है, वो भी देखो।
एक वो ड्रोन वाले उससे भी मारते हैं लोग। फ्रॉस्ट आ रही है। जी जी जीत गए रे। जी क्या किया सुने? प्रिंस जी जी लिख रहा है। खींचो खींचो बात खींचो। हम नहीं है ना साले। उतम मत जा इतनी से हिंदी आ गई इसको। कौन है? मैं हूं क्या? हाँ और क्या। अभी कौन कौन आया? बीबी और जोटिया हैं। अभी कितना हमारे में कितने लोग हैं? नॉनसेंस कहाँ चला गया? अरे दूसरा स्टार्ट कर लिया। कैंसिल करते। चलो फिर मैं और चौटी आते हैं। मैं भी आता हूँ। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं ना, तो 3-3 करते हैं ना। हाँ। तो और कौन आया था उसपे डिस्कॉर्ड पे? केडी खराब हो गया वो लिख रहा है। डिस्कॉर्ड पे कितने लोग हैं अभी? डॉक्टर सार्कास्टिक मेरे साथ है तो जॉटी उधर कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, 4 लोग हैं इधर। अभी जॉर्ज इसको इनवाइट कर रहा हूँ और बीबी को इनवाइट। 3 लोग हैं। हाँ तो तुम लोग 3 तुम उधर खेल लो, 4 हम इधर खेल लेते हैं, या तुम इधर 3 खेल लेते हैं। ठीक है। और वो दूसरे वाले इसमें चले जाओ रूम में। लास्ट राउंड आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करें फिर। सुनो हम 4 लोग हैं, तुम 3 लोग हो। ठीक है। कौन 4? इधर है सार्कास्टिक, डॉक्टर और नॉनसेंस। वाह। और उधर हो तुम, वीवी और जॉटी। नहीं क्या? नहीं अबे गेम चालू हो गया, अब क्यों नहीं बोल रहे? ठीक है। नहीं नहीं वीवी नीचे वाले में आ जा। हाँ नीचे वाले में आ जाओ। 2 मिनट लगेंगे लास्ट राउंड। जॉटी कहाँ गया? बस हमारा आज का ये नॉनसेंस शायद जिता देगा। अबे किसको कर रहा? किसी और को करो भाई। क्यों शुरू में चढ़ा रहा है? अबे तुमको खेलना था क्या? क्या तुमको खेलना था क्या रैंक में? नहीं मैं और जॉटी खेल रहे हैं ना, मैं और जॉटी वीबी। हाँ तो कहाँ है वो लोग? आ गए? जॉटी तो आ गया, बस वीबी मैच खत्म करके आ रहा है। अच्छा ठीक।
अगर कोई चला जाता है ना तो फिर 5-5 कंप्लीट कर लेंगे फिर से। ठीक है ठीक है। अरे मैं उन लोगों से बात कर रहा था, प्रिंस से। वेलकम गेमिंग, हाय वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो, क्या हाल चाल है? Guys, reinforce this. Putting on a show. अरे रे डिफ्यूजर यार, डॉक्टर के पास है डिफ्यूजर। कहाँ है, कौन से कैमरे पे? जी 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 ब्रो,
वाह वाह, दो किल असिस्ट मिले भाई। राइजन 3 3100 कितने तक अच्छी वाली गेमिंग करा पाएगा, कितने टाइम तक ब्रो? जब तक गेम्स जो हैं वो मिनिमम 8 कोर से ज़्यादा ना यूज़ करने लगे, तब तक के लिए। मेरे भी हैं आधे, तो दो असिस्ट तो अपन के भी हैं। किसे भेजा है? मेरे को देख, नहीं मेरे को तो नहीं है। कहां पे भेजा है? कर दे बट रुक जा, लास्ट राउंड में करियो, अभी नहीं, लास्ट राउंड में करिए। उसको पता नहीं चल रहा होगा भाई कि वो ड्रोन्स हैक हो रखे हैं। कोई बात नहीं, शांत रहो थोड़ा। अरे रे साला, ओके बाहर है क्या बताओ ब्रो? लास्ट में लेना, अभी मजा नहीं आएगा। बॉट की तरह ही खेल रही है ये, किसे कोई फायदा नहीं है, बॉट की तरह खेल रही है। शूट तो कर भाई, कॉलआउट्स तो दो, कॉलआउट्स तो दो। अबे तोड़ दी। हाँ रैंक में आ गया तुम? हाँ क्यों? नहीं नहीं पूछ रहे। अगले में हम तुम्हारे में इधर आएंगे। ओ, ओ, कितने? क्योंकि वो बहुत बोरिंग हो रहा है उधर। कोई बोल ही नहीं रहा भाई, कोई बोल ही नहीं रहा। सारे गुंगा थे। हां वही तो, वही तो। नहीं नहीं, दिस इज अ क्राइटेरिया, माइक इज अ फकिंग क्राइटेरिया नाउ। ओ भाई ऐसा नहीं, मेरे को नींद आ जाएगी ऐसे खेलूंगा तो। ओ भाई मारो, नॉनसेंस को बुला लो, खत्म। हां सही बात है, डॉक्टर भी ना बात कर। हां वो नहीं था तभी।
फर्स्ट फ्लोर बैठा है यहां पर down to 5 seconds camera activated having my plus one window blocked mar kaise gaya doctor chutiya isko kyu marega bhai apne aap hi mare ja raha hai पता ही नहीं लग रहा आ कहां से रहे ना 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 होल्ड करो दोनों बॉम्ब साइड होल्ड करो दोनों बॉम्ब साइड होल्ड करो बस मत कर पीक होल्ड कर वो आएगा प्लांट कर रहा प्लांट कर रहा प्लांट कर रहा आ गया अंदर लेफ्ट से निकल वहां से निकल होल्ड कर डिफ्यूजर ड्रॉप हुआ उधर होल्ड कर मत ले पंगा ड्रॉप हुआ ना डिफ्यूजर लेफ्ट से आ रहा जी अब मार दे इसको वैसे भी कुछ कर नहीं रहे लेक साइड आ जा नॉनसेंस Need to use your drone to locate a bomb. Drone has located a bomb. Location and defuse it.
अरे गेम अटक गया मेरा। अरे अरे वामाई ऑन द स्टेयर्स ब्रो। प्लांट 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 थर्माइट को कवर दे। येगर येगर होल्ड कर उसी एंगल पे होल्ड कर। बाहर आ तू ब्रो बाहर आ। नॉनसेंस बाहर आ तू। शिट मैन क्या होगा भाई। चलो कोई बात नहीं अच्छा गेम था। पूछ रहा हाउ डिड दैट हैपन। Drone to locate a bomb. Lost on a vigil. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Reload. Get clear. Bomb has been located.
अरे रे मार फ्रॉस्ट को भाई। राइट वाले कमरे में डॉक्टर प्लांट एक को रिवाइव 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 वन चीवी रिवाइव फ्लैश कवर 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 इज कमिंग बक्स वाला ये क्या इसको दिखा नहीं क्या तू लोल रिवाइव तो किया इसने आपने साहत आया कैसा मतलब रैंडम में आया ना बे बेसमेंट क्लियर पिंग कर दे फ्यूज के लिए अरे रे फ्लैश है वो बंदा लेफ्ट बेहतर जी जी
कुकर है मैच में, इसमें भी चाहिए डिफ्यूजर ले ले करो यार, इसको मत दो सरकास्टिक। ये पता नया बंदा होगा मेरे ख्याल से, बेचारा रैंक खेल रहा होगा। LOL ये बाना से हो जाना चाहिए, बाना है ही नहीं। अच्छा सेकंड फ्लोर पे आओ फिर रोमर्स को मारते हैं। ओके Oh shit, sorry bro. अरे अरे हेलो हाँ भाई कितना रह गया? बस बस 4-3 हो गए, एक राउंड एक या दो रुको, आ रहे हैं हम, आ रहे हैं आ रहे हैं, होल्ड करो तो क्विक चला लो, चलाना है तो बोर हो गए। आ रहे हैं बोल रहे हैं, ये क्विक खेलो हम आ रहे हैं, ओवर टाइम मैच पॉइंट है, इसी राउंड में गेम ओवर भी हो सकता है। वैसे हम लोग अच्छा खेल रहे हैं, हम लोग 2-1 से हारते हुए जीतने की कगार पे हैं। क्या सेकंड फ्लोर पे चलेंगे सभी? कोई गया नहीं था, मैं अकेले थे। बेसमेंट लिया कोई मेरे पास आओ, साथ में होल्ड करो, ठीक है। तेरा क्या जीत गए तुम लोग? अबे जीत गए, कौन सा किया नहीं? ये रह गया,
ऊपर देखियो सार्कास्टिक तो यहाँ चेक कर लो से को। Diffuser on me. Op 4, last stop standing. Your location has been compromised. क्या बोल रहा? जी जी कौन चला गया अरे कहाँ गया ये हे गाइस इफ यू आर फॉलोइंग इफ यू आर ऑन माय चैनल आई रियली अप्रिशिएट इफ यू डू फॉलो द चैनल हाँ बेसमेंट बेसमेंट था क्या वो हाँ शायद फिनका है मेरे पास ले लिया उसने यार मैं पबजी मोबाइल खेल नहीं पाता और वो मेरा फोन जो है उसमें वो एलगाटो पे आउटपुट नहीं देता है वो आ पाएगा क्या लौंडा है सब वो भी सकता है अभी जाए अब तो नहीं आ पाएगा 2F चलो रूमर्स चलो तो मार्क कर दे कहां से घुसना है वहीं से घुसेंगे स्पॉन पिक चेक करो कहाँ पे ओह हो हो क्या मारा है में वो कैसे
GG. चलो वेल प्लेड बॉयज। हाँ भाई, और ये तो हो गया। चलो मैं उधर वाले सर्वर पे जा रहा हूँ, इन लोगों के साथ भी खेल लेते, स्ट्रीम बोरिंग हो गई नहीं तो। आ जा पहले। हाँ भाई, चालू कर दिया। नॉनसेंस हो गया, बैन बैन हो गया ना। हाँ नॉनसेंस बैन हो गया। अभी प्रिंस आ रहे, चाय लेकर फिर डिस्कस करते हैं। अब आ जाओ, इनवाइट कर। क्या डिस्कस करना? वही कि नॉनसेंस और रैंक नहीं खेल पाए हम, तो क्या पता कैजुअल की। डॉक्टर आ गया है, नॉनसेंस अब तो कैजुअल खेल लेगा। क्या वो उसकी लाइट वाइट चली गई शायद? नो आइडिया। एक बड़े प्रिंस आता है, देखते हैं। नॉनसेंस मेन्यू में रहो। नॉनसेंस को ड्रैग कर दो फिर डिस्कॉर्ड में, ये चैनल में, उससे पूछो क्या नॉनसेंस क्या हुआ भाई। अपना केडी कैसे देखेंगे रे? अपने नाम पे क्लिक करो। 0.6 चलो बड़ी नहीं रहा केडी मेरे, बढ़ेगा नहीं लग रहा यार। मेरे भी रैंक खत्म हो गया भाई। हारे जीते लास्ट? जीत गए भाई। अरे वाह बढ़िया, मैंने 2 किल लिए लास्ट राउंड में और हम जीत हमको उपलक्ष मिला। कौन सा मैच वो था? शैले था शायद। बढ़िया। चाय लेने गए क्या? हाँ आ रहा। नॉनसेंस ने क्या रिप्लाई दी थी? नहीं आया नहीं। डॉक्टर को बुला लेते हैं, एक बार पूछ लेते हैं क्या सीन, क्या क्योंकि वो आया ना ऑन करके, देखते हैं क्या देखते हैं। अरे भाई हम लोगों ने एकदम लास्ट तक खींचा, तू भी नहीं आ पाया। तू एकदम लास्ट तक खींचा हमने, वो जस्ट आया जस्ट, मतलब तो आपका राउंड खत्म हुआ होता एकदम। अगर रेनाउन अच्छे खासे इकट्ठे हुए ना तो एक बढ़िया पैक है उसका। मैंने खरीदा था, ये है रोलिंग रिचेस बंडल, वो ले लिया मैंने। हाँ बढ़िया है बहुत, उसका चाम भी बढ़िया है, गन के कैमो भी। उसका बस गन वाला लिया मैंने। गन वाला मतलब? सर मतलब जो गन की स्किन है ना सर उसमें। अच्छा आपने दूसरा किया, मैंने वो दूसरा, मैं दूसरा बता रहा हूँ। इस पे जाओ शॉप। हाँ और ये रोरिंग रिचेस बंडल ना, ओंडे दिखा रहा है भाई, मैंने खरीद लिया ऑलरेडी। गन की स्किन और चांस है ना। हाँ 6R6 का चांस। हाँ हाँ वो ले लिया वो। हाँ ये बढ़िया था यार, ये चाहिए मेरे को। प्रो लीग ऑल सेट्स बहुत महंगा है, पैसे से नहीं लेता मैं। मैं जो भी रेनाउन वाली चीज है ना वो लूंगा, पैसे से नहीं। थर्माइट का चिप भी है, फ्यूज का है, काली का है, बम्बई का है। चलो मैं भी आता हूँ, रुको। अभी क्या करना है, रैंक खेलेंगे कि कैजुअल खेलना है? बता बता फ्रेंड्स में आगे। नॉनसेंस का तो बैन है, तो मेरे को नहीं लगता रैंक खेल पाएंगे अभी। और उन्हीं तक अभी तो है डॉक्टर गया, रुक जा एक मिनट, प्रिंस को आने का है। ग्रुप पे लिखो यार कोई, व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रिंस सब कुछ। नॉनसेंस कैजुअल खेल ले, एक रैंक खेल ले, अगले मैच में तेरे को बुलाते हैं। इनवाइट करता हूँ डॉक्टर, डॉक्टर को इनवाइट कर। मेरे में शो नहीं हो। नॉनसेंस ऊपर वालों के साथ खेल ले ना, इसीलिए तो 2 टीम से। ये कौन है भाई बिग? डॉक्टर को भेजो क्वेस्ट।
डॉक्टर है ही नहीं मेरे में। नो जॉर्टी इनवाइट कर। प्रिंस आया नहीं ना, वही तो वो इनवाइट कर लेगा। आया तो है प्रिंस, उसका आ तो रहा है बट सुनाई नहीं दे रहा। नहीं नहीं उसने शायद उसमें वो नहीं किया हुआ ना पुश टू टॉक नहीं। तो क्या किया उसने? नॉर्मल खोला हुआ है तभी तो बार बार दिख रहा है। अच्छा हवा से हो रहा। अरे यार मेरे में सोई नहीं कर रहा। ज्वाइन कर ले ब्रो, तू ज्वाइन कर ले हम लोगों को। ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा किसी के नाम पे। तेरा वो मेरे को फिर फ्रेंड डॉट टेक प्रोफेसर डॉट टेक पे भेज दे इनवाइट। प्रोफेसर डॉट टेक यार तो मेरे साथ तो था पर शो ही नहीं कर। पता नहीं दिखी नहीं ना। यू से शुरू होता है ना कि वाई से शुरू होता है? तुम मेरे को ज्वाइन करो एक बंदा। अबे दिख ही नहीं रहा है तू, लिस्टिंग में नहीं दिख रहा है। क्या नाम है तेरा? पी आर ओ एफ ई एस एस ओ आर डॉट टेक। मेरा साला एस वाला की नहीं चलता है यार। लोल वाई क्या ही बोला जाए। तो फिर तू बैक कैसे जाता है मतलब चलते वक्त? गजब भाई प्रो। और वो कैसे करता है तू? पीक कैसे लेता है? आर्सेल गेमिंग माउस। अच्छा भाई साहब मेरे को तो टाइम लग जाए डब्ल्यू और ई को समझने में पीछे और आगे। मैं कीबोर्ड चेंज कर लूं ब्रो। लॉकडाउन है ना बस। आपके वहाँ क्या सीन है? बस भाई वही सीन है, सब बंद है। याद आती है बहुत खुली दुनिया की। चाय बनाने चला गया क्या? वही लग रहा है ये देखो। डॉक्टर को इनवाइट करो। हाँ और नॉनसेंस का बैन लगा है तो प्रोफेसर साहब मतलब वो क्या है कोई मैच खेलना है तब तक वो कनेक्ट कर। मस्टिक भी तो है नहीं डिस्कॉर्ड पे? सरकास्टिक भी तो ऑनलाइन है। हाँ वही तो सरकास्टिक और वो क्विक खेल लेंगे ना अभी। क्विक खेल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। मैं नहीं था ऑप्शन आ रहा मेरे में भी नहीं आ रहा है। एक बार चालू करके बंद करना। या कर रहा हूँ। उनीदा बुला रहा है। नहीं बीबी तू बोल रहा हूँ तू एक बार चालू करके बंद कर। कर रहा हूँ। बीबी तो ऑलरेडी लाइन में ही है। नहीं नहीं मतलब ये जो अच्छा आवाज है। योद्धा हाय वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। ज्वाइन दे प्रोफेसर डिस्कॉर्ड में हो क्या? हां ब्रो। हां है। हां नहीं नहीं वो म्यूट कर देता हूं बुलाएंगे। हां तो देख दिखा रहा है डॉक्टर को। मेरे डॉक्टर मेरा दोस्त तो था पर मेरे को भी नहीं शो कर रहा भाई। तू एक बार गेम स्टार्ट करके ऑन ऑफ कर। रुक जा मेरे को शो कर रहा है मैं लीडर बनता हूं। अब छोड़ दे प्रिंस भेज रहा। हां ये प्रिंस कन्वर्ट रुको मेरे को नहीं दिखा रहा। अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है इनवाइट करने। जॉर्टी भेजियो प्रिंस को। तुम लोग एक बार चालू करके बंद करो क्योंकि तुम लोग का किसी का नहीं दिखा रहा तो तुम लोगों में इशू आ रहा है। ये दिखा तो रहा। हां एक बार गेम स्टार्ट करके ऑन ऑफ कर दे। इससे कुछ नहीं होता भाई स्टार्ट ऑफ से मैंने देखा पड़ेगा। प्रिंस देख सबको भेज रिक्वेस्ट भेज हम बाहर नहीं कर। आगे 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 भेज रहा हूँ। ओके फालतू ही निकला भेजो भाई मेरे। अरे बीबी कहाँ गया? मैं बाहर आ गया ना मैं कहता था आ रहा हूँ। चलो कर दिया इनवाइट आ जा। तुम लोग इतना उथल पुथल को मचा देते दो मिनट रुक नहीं सकते पंचो। रैंक लगाओ। चलो रैंक लगाओ डॉक्टर। आज 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 गेम्स हम लोग बचा ले जा रहे हैं।
मतलब ये हो सकता है ये लास्ट ही हो, उसके बाद फिर हारना ही चालू हो जाए हम लोग। अच्छी बातें करो। तो हार गए तुम लोग, हम लोग जीत गए भाई। सब फ्रेंड्स और मेरी बात। इन मिक्सर पे ना एक पता है एक अच्छी फैसिलिटी है। क्या? मिक्सर पे क्या है, अगर तुम मान ले रहे सीज का लास्ट राउंड में है ना, मतलब मैच पॉइंट्स पे अगर तो, तो वो उनका एक हाइप जोन करके एक चैनल है, तो हाइप जोन पे तुम्हारे को होस्ट कर लेगा वो। तो उस टाइम पे जितने भी लोग वो हाइप जोन चैनल देखेंगे वो सब देख पाएंगे उसमें तुम्हारे तुम्हारे गेम प्ले को। Ryzen 3 2200G के साथ कौन सा GPU लूं स्ट्रीमिंग के लिए? थीम पार्क वैल कर दो डिपेंड में ना, अभी करो जैक वेलकारी करना भाई बहुत ठीक। हम लोग का डिफेंस है पहले। अच्छा चलो फिर वो करो कैरी, कोई नहीं खेलता ब्रो। देखो 1650 सुपर या 1660 सुपर, मतलब 1650 सुपर के ऊपर कोई भी जीपीयू लगे तो स्ट्रीमिंग हो जाएगा, बट जीपीयू इंटेंसिव सीपीयू इंटेंसिव जितने भी गेम्स होंगे ना जिसमें भी चार कोर यूटिलाइज हो जाता है 100%, तो उसमें क्या होता है एप्लीकेशन लाइक OBS या अगर तुम इस तरीके का कुछ भी एप्लीकेशन चलाते हो जिससे स्ट्रीम करोगे तो उसमें दिक्कत आ जाती है। उसमें दिक्कत ये आती है कि एप्लीकेशन को रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं चलने के लिए। देख द बेस्ट यू कैन गो इज कि ट्राई टू अपग्रेड योर CPU एज वेल, एक चार कोर आठ थ्रेड वाले CPU पे जाओ। लाइक अगर तुम 2200G को सेकेंड हैंड मार्केट में निकालोगे तो इट विल गिव यू वॉट एवर इट कैन गिव यू, उससे तुम थोड़ा पैसा ऐड करो, गो फॉर ए 3100 एंड GPU में तुम्हारे पास 16000 में 1660 सुपर आ जाएगा। आई थिंक दैट वुड हैव बीन द बेस्ट ऑप्शन। 2200G को निकालो, उसमें 4000 लगाओ, 16000 का 1660 आ जाएगा एंड 1660 प्लस 3100 से तुमको बस्ट मस्त गेमिंग हो जाएगी। ओवरबुल्ब लगा रखा है अभी और एडी किसी की अच्छी नहीं, वो जीत सकते हैं। ठीक ओके 2F फ्रोस्ट डॉक्टर भी केडी कम दिखा रहा, डॉक्टर तो अच्छा खेलता है यार। मेरे पास पे लगा दी, मैं बैठ रहा हूं ना फट फट कर। मेरी केडी से ज्यादा है, हा 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 कम हो गई लेकिन कितनी है तेरी 1.2? हां इसके 1.4 पे गई थी एक बार। Bomb location compromised. Plan accordingly. Reloading. Welcome mat deployed. Artila active. Down to 10 seconds. Bro, Prince. Down to 5 seconds. Wo C4 wala trick karna hai kya? Jo वो जिसमें दूसरे लेयर के अंदर रहता है और जो भी थर्माइट जब भी आता है लगाने वो मरता है। हाँ, अभी नहीं अगले राउंड में करते हैं, बट इसमें नहीं है ना, इसमें तो थर्माइट वाला जगह ही नहीं है कोई। हाँ, लेकिन डबल लेयर वो सभी में होता है रे। उसमें क्या होता है पहले बाहर जाओ, ठीक है? समझ गया। पहले मतलब अंदर से रिइंफोर्स करके बाहर जाओ, उसके अंदर लगाओ और फिर दूसरा वाला अंदर से रिइंफोर्स करो। अरे रे बड़ा लेटा यार, आया नाश्ता हुआ आया और ले गया। अच्छा शांत गंदा ही मारा यार, ऊपर ही आया मारा हूँ। बच गया बीबी लैट छोड़ के क्या था, यू मस्ट डिफेंड इट। कोई नहीं, डिफेंडर सामने है।
जॉटी के सामने बकी ले रहा है किल सर। शांत अरे रे तो सर पे नहीं मारा तूने उसके वे यार जस्ट रह गया थोड़ा सा प्रीफायर करता ना हो जाता अरे इतना मार दिया और क्या जरूरत अच्छा खेला प्रियांशु वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो Ryzen 5 2400G के लिए बजट मदरबोर्ड ब्रो अगर कोई भी वैसे मैंने चैनल पे बहुत वीडियोस भी बना रखे हैं तो इफ यू कैन गो एंड चेक आउट एनी ऑफ दोस वीडियोस वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा एंड आई थिंक B450 जो है गीगाबाइट का B450 6,500 में आता है तो दैट इज क्वाइट एनफ फॉर दोस प्रिंस तुम नया वाला वीडियो देखे कि नहीं देखे आज पूरा ही देखे कितना देखे फिर कौन सी वाली वीडियो बात कर रहे हो B550 वाली नहीं वो ही देखा अभी तुम लोग देखते नहीं हो तुम लोग गेमिंग करते हो पर तुम लोग पीसी हार्डवेयर में इंटरेस्टेड नहीं हो तुम लोग कट दिया पूरा सील कर दिया मैं देखता हूं अच्छा आराम से फ्री हो के सो ही जाएगा शायद या ओनिदा भी जाएगा कहां जा रहा है रूम के बाहर क्या उस पर ओवरक्लॉकिंग हो जाएगी वैसे मैंने आज वीडियो देखी अरे अरे थैंक यू ब्रो यहां भी कर दो जॉटी पहले आजा फटाफट आजा पॉन्ड एक्सकॉर्ड स्काई अरे रे बक अंदर घुस गया बहुत डैमेज है ब्रो अच्छा हो अब बात जा मैं मरो कोई बात शॉटकी भी निकल गया आओ वही भागते वक्त ही मर गया होल्ड क्या कर रहा है होल्ड क्या कर रहा है हाय नहीं उसे रोम करने की जरूरत है नहीं नहीं रिंगा रिंगा रोज़ेस प्रिंस मुझे चक्कर आने लगे यार रुको थोड़ा अब बैंडर ठीक है यार बॉक्स में लग रहा है ओ भाई बक है कि उस कर रहा है क्या ऐसे हम वो बहुत देर से 2 एचपी है वो कोई वो तो नहीं है थर्माइट और माइट थर्माइट तो गया चला जी ऊपर क्या ख्याल है 3000G देखो अनलॉक्ड है 12 नैनोमीटर पे है बट जो वेगा कोर्स है वो सिमिलर ही है एज कम्पेयर टू जो अभी पुराने जिसमें मिल रहे थे मर गया नीचे से नेट देगा आई डोंट नो तुम बताओ रोम मत करो कुछ नहीं होता रोम
ठीक है भी, 550 पे राइजन 5 2400 चलेगा, 450 का बायोस अपडेट आते हैं, नहीं नहीं भी 550 पे नहीं चलेगा ब्रो 2400 जी। ट्रैप्स वाले लो फिर से, ट्रैप्स वाले लो और वैल्करी लो और बाकी तीन ट्रैप वाले लो। नोवा कब कांच, जब कांच लो मैं तेरे तो वाले एफ के चला जाओ तो इसीलिए एथलॉन 3000 जी अभी आई थिंक महंगा भी आ रहा है, 4500 का आ रहा है, तो उससे अच्छा है ना 2000-1500 रुपए देके 2200 जी ले लो ब्रो। प्रियांशु भाई कोई दिक्कत नहीं है, चैनल पे आओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल हिट करो, चैनल पे कभी भी आओगे हमेशा हेल्प मिलेगी, सपोर्ट करो चैनल को जितना भी शेयर कर सकते हो गाइस। सोचो तीन बंदे बाहर, उसको उनको पता दो बंदे अंदर है। लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू, शाउट आउट टू प्रियांशु। ये वाला हैच किसी ने किया था क्या? हैच भी करा हूं। पीसी बनाओ अच्छे से, गेमिंग करो, एकदम लाइफ एंजॉय करो। हैच हो गए सारे, बचा हुआ क्या? अरे ये बचा। एंड बहुत अभी गिव अवे भी चालू है, तो अब मेरे ऑफलाइन वीडियोस पे जाके कमेंट मारो, ठीक है? एंड हम लोग बहुत जल्दी क्या किया भाई? भाई यार मैं तो उस पे एंकर रिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं नहीं ऐसे दौड़ते दौड़ते मरना चाहता। किसको मार रहा है? I love you to all bros. Come on, फटाफट लाइक करोगे तभी तो आएंगे सब्सक्राइबर। कैसे भैया कैसे? कितने दो टपकते? भाई कैमरा देख ले जो बड़ा। मेरा ये वाला कैमरा देख ले लाल। अरे बक मदर चोर। तो कितना बगल में है? मार किया। वो अपने प्लान चेंज करो ना। मैवरिक नीचे है। वो तो क्या करेंगे? मैवरिक अभी भी नीचे है। लोकेटेड अ बम। लैंड कर रहा है। मार्क। ऑप 4 हैज डिप्लॉयड अ डिफ्यूजर। यू नीड टू डिस्ट्रॉय इट। अरे यार सर पे कैसे नहीं लगा उसके? साइकत देवनाथ, अगर मैं गेमर नहीं हूं पर एडिटिंग के लिए नया पीसी बनाने का सोच रहा हूं तो 3100 के ऊपर क्या सेकेंड हैंड GT 1030 2000 से 2500 पे लगा लूं? यार देख GT 1030 तुम लगा सकते हो, बेसिक जो एनकोडिंग वगैरह के लिए जितना भी चाहिए होगा वो सब भी मिल जाएगा, बट देखो एक तो 2GB वीराम है, बहुत ही कम है वो 2GB वीराम, ठीक है? तो दैट इज़ वन थिंग। अदरवाइज तुम्हारा जो CPU होगा दैट उसमें तुम एडिटिंग कर पाओगे, 4.3 से 4.4 GHz तक ओवरक्लॉक भी हो जाता है, तो बेसिकली अगर जो स्टॉक कूलर है उस पर यू कैन ईजिली गो फॉर ईजिली 4.3 मतलब 4.2 से 4.1 से 4.3 तक जाएगा। एंड 3.9 GHz उसका ऑल कोर बूस्ट है वैसे इन एनी केस, सो ऑल कोर बूस्ट अगर तुमको मिल रहा है 4 GHz का, उस पर 100-200 MHz अगर तुम ओवरक्लॉक कर लोगे तो तुमको एक डिसेंट CPU वाला परफॉर्मेंस मिलेगा चाहे तुम कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करो। तो जैसे कि तुमको उनके फ्लैगशिप i7 7700 जो लॉक्ड वाला, तो उस लेवल का परफॉर्मेंस तुमको मिल जाएगा, तो दैट इज़ वेरी नाइस। एंड वो जो है वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज इसके अलावा अब देखो तुमको अगर हार्डवेयर एक्सेलरेशन चाहिए, हार्डवेयर एक्सेलरेशन मतलब CPU OpenGL OpenCL यूज़ करके अगर CPU का यूज़ करवाना है, तो इन दैट केस
then you need to definitely find out a better CPU and यू नो सीपीयू जीपीयू जितना अच्छा होगा उतने तुम उस पर यूज़ कर सकते हो. तो उसके हिसाब से थोड़ा सा वीक हो जाता है 1030, बट काम चल जाएगा. एंड बेसिक तुम्हारे को अगर एडिटिंग करना है, अगर तुम बहुत ज़्यादा VFX वगैरह कर रहे हो तो उसमें तो दिक्कत आएगी ब्रो. मतलब मान लो ब्लेंडर यूज़ करते हो तो उसके लिए रैम तुमको ज़्यादा चाहिए. तो हर एप्लीकेशन का अपना अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है. बट अगर तुम मतलब यू नो बेसिक एडिटिंग करना चाहते हो, यू नो वीडियोज ऐसे एक डाल के मोंटाजेस क्रिएट करना चाहते हो एंड फनी वीडियोज, वॉट एवर दैट काइंड ऑफ वर्क इफ यू वांट टू डू, तो यू कैन डू दैट. कोई इसमें इशू नहीं होता है. रेंचो पर 10,000 के में 2200 एज एन एपीयू, 10,000 रुपीज में देख भाई सही तो रहेगा. बट द प्रॉब्लम इज कि वो 14 नैनोमीटर वाला जेन सीपीयू है. ठीक है, अब 14 कहाँ से स्पॉट हो रहा हूँ मैं? कौन से कहाँ से? कहाँ था बताएगा? अरे रे शिट मैन, कोशिश करो. चलो अरे बाप रे, 7 लोग देख रहे हैं गाइस. चलो आज का एम जो था 20 लाइक्स का, उस पर पहुंच पाते कि नहीं देखते हैं. खैर बट 2400G इज अ गुड APU इन एनी केस. एंड आई थिंक देर आर चांसेस कि अगले कुछ दिनों में, ठीक है, जो लीक्स आ रहे हैं तो देखो, अगर 4000 सीरीज का APU निकलेगा तो अंडरस्टैंड दैट 3000 सीरीज का भी APU निकलेगा ही. एंड राइजन 3 बोल के भी निकलेगा, राइजन 5 बोल के निकलेगा. एंड मैं इंटरेस्टेड हूँ राइजन 3 वाला जो आएगा उसके अंदर जो APU रहेगा वो सबसे पावरफुल होगा इस सीरीज में. तो अब वो लोग जानबूझ के ना उसमें 5 CU या 6 CU ये डालेंगे सिर्फ वेगा के, बिकॉज अदरवाइज उसका ग्राफिकल परफॉर्मेंस जो है वो हो जाएगा बड़ा. तो ये चीज ध्यान रखना. साई कुमार व्हाट इज अप ब्रो, क्या हालचाल है? मुझे 20K में PC बिल्ड करना है. कौन सा APU प्रोसेसर मदरबोर्ड अभी अगर इमीडिएटली करना है देन 2400G इज द ओनली APU जो तुम उस प्राइस पॉइंट पे जा सकते हो. अगर कुछ दिनों के बाद करो तो हो सकता है यू मे गेट समथिंग बेटर, बट एज ऑफ नाउ तो ऐसा कुछ नहीं है. अरे माय प्रोसेसर ब्रो, जब मैंने खरीदा था दैट वाज अराउंड 25-26K था. अभी तो इट विल बी आई थिंक 16,000 का मिलता है आजकल मार्केट में. दिस इज अ राइजन 7 1700 एंड इट हैज बीन क्लॉक टू 3.575 GHz. तो देख सकते हो थोड़ा बहुत ओवरक्लॉक किया है. एंड गाइस आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू लाइक द स्ट्रीम. इसे बोलते हैं लोहे के चने चबाना. स्क्वाड लीडर खींचो. कौन है खींच रहे भाई? बेहतरीन. मेरा 900 पहुंचने वाला था बट फिर से हो गया कम. थैंक यू फॉर द लाइक्स ब्रोस, थैंक यू फॉर द लाइक्स. क्या माफिया गेम पता है? हाँ शायद माफिया 4 आएगी या माफिया 2 का रिमास्टर. यार माफिया मतलब 1 और 2 का तो मैं इतना बड़ा फैन हूँ ना भाई. गॉड माफिया में ना एक मिशन था जिसमें वो रेस कार वाला मिशन था, ठीक है, उसमें ना मैं रो दिया था भाई गॉड. मैं लिटरली मैं रो रहा था वो इतना. मैंने
एंडिंग कितने रोने वाली है बोलना मत किसी को, थोड़ा लग रहा है। एनी लाइक व्हाइल प्लेइंग हाई ग्राफिक गेम लाइक GTA 5 देखो देख वो इतना पावरफुल है कि 720p पे इट इज गोइंग टू मेक यू गेम एंड वो कोई इशू नहीं है। थैचर कर दे क्या बहन, कौन सा है कैफे थैचर का कोई फायदा नहीं, जैकल ही करो मोंटी मोंटी मोंटी। हां जैकल 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 देख GTA 5 में तो नॉर्मल सेटिंग्स में यू हैव टू यूज अ डुअल चैनल थिंग, रैम जो है वो डुअल चैनल यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट परफॉर्मेंस जो सिंगल चैनल रैम पे तुमको मिलेगा। ठीक है तो ये चीज ध्यान रखना, अदरवाइज बाकी जो गेम्स हैं वो 720p पे लो सेटिंग्स पे इट विल गिव यू 30, 35, 40 FPS। एंड मेरे मैंने पूरे चैनल पे ना डेडिकेटेड वीडियोस बना रखे हैं साई कुमार, आई विल रियली अप्रिशिएट अगर तुम जाके वो चेक करोगे, तुम्हारे लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा बिकॉज आई हैव टोटली यू नो गेम्स का गेम प्ले बेंचमार्क कंपैरिजन बेंचमार्क सब। एंड अभी एक अगले वीडियो पे मैं काम कर रहा हूँ अभी, दैट इज नॉट बीन अभी तक एडिट नहीं कर पाया हूँ, बट उसमें मैं एक पुराने i5 जो 4 core 4 thread वाला है 3470 उसके साथ 2200G का मैं कंपेरिजन करूंगा, तो वॉट एवर परफॉर्मेंस आई एम गेटिंग ऑन देयर यू विल गेट बेटर परफॉर्मेंस देन दैट, तो वो चीज ध्यान रखना एंड वो वीडियो पक्का देखना था। यार देखो मेरे पास ना आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट इन दिस, ये तो अगर तुम लोग सपोर्ट करोगे चैनल को आई विल बी एबल टू यू नो गेट द प्रोडक्ट, एक भी प्रोडक्ट आ जाता है तुम लोगों के लिए रिव्यूज करना मेरे लिए काफी इजी हो जाता है। ठीक है एंड थोड़ा सा अदरवाइज टाइम लग रहा है तुम देख सकते हो, एंड 90% ऑफ यूर गाइज आर नॉट सब्सक्राइबिंग, वो तो एक डिसहार्टनिंग दिल टूटने वाली बात है बिकॉज 90% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियोस देखते हो व्यूज आते हैं मेरे को, वॉच टाइम सही आती है, बट तुम लोग नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो यार, बहुत दिक्कत की बात है, आई एम वेरी सैड अबाउट दैट। साइकत देवनाथ थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग ब्रो, आई अप्रिशिएट इट अ लॉट, थैंक्स अ लॉट मैन। माय गॉड इस साल के एंड तक अगर 10K सब्स हो गए ना मैं तो एक पूरा PC गिव अवे कर देने का सोच रहा हूँ। अमारू नहीं लिया किसी ने, नीचे कूदा था ये साले, वो वैल्करी ट्रिक देख के आए हैं आज कोकोनट बराबर वाली बाण दे टक्के। अरे रे हवा में मेरी ले ली इसने तो, मैरक्यू मून चाइल्ड ने गंदा मरा मैं साला, छन्निया कर दी भाई। कौन नीचे, ओ फक नाइस ब्रो, नीचे है विजल, ऊपर है विजल, पता नहीं कहाँ है बट प्रिंस नीचे, ठीक 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 प्रिंस तो दूसरे साइड में आता है।
एक साथ चलते हैं प्लांट कर वो आ रहा है ब्रो मार उसको सर प्लांट कर इस तरफ आ गया ब्रो वो जी जी आउट प्लेड एंड आउट स्मार्टेड ब्रो आराम से खेलो यार होल्ड करा करो प्रेशर बन रहा भाई नीचे नहीं बन रहा ऊपर 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 बन रहा ओ भाई फ्रेंड्स लास्ट राउंड ऐसा होना चाहिए था ना लास्ट और बताओ तुम लोगों का वो लॉकडाउन कुछ हल्का हुआ तुम लोगों का पर मेरा रेड जोन में नहीं है मैं लेकिन मेरा तो रेड जोन में ही है तो मैं तो नहीं निकल मेरा रेड जोन में नहीं है तू रेड जोन में मेरा गजब मेरा रेड जोन है लेकिन मेरा पड़ोस वाला एरिया रेड जोन है तो इसको अच्छा। ये सब वो करते हैं कि दिल्ली में है क्या तू हां लाजपत नगर अच्छा सबसे बुरा हाल दिल्ली मुंबई और उसका तुम्हें से कोई योगी बाबा देखता है अरे मस्त बनाता है वीडियोस देखा करो फ्रेश कंटेंट You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Yeah, hey, banana, thank you. अरे कहाँ तक खड़ी कर सको सर? वो ये वॉल नहीं करी. अरे? कैसे मरा तू? कर दिया. वॉल बैंक. उसने रेनफोर्ट कर दिया. हाँ ये रेनफोर्स नहीं है बस ये सब मारा मैं तो कह रहा हूँ साउंड स्पीकर लगा दो कैमरा तोड़ नीचे झुको साउंड स्पीकर लगा 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 कैमरा भी है लेफ्ट पर कैमरा तोड़ो फटाफट से तोड़ दो मैंने मत जाए समझ दूँ करो मेरा भी है अब हटो बॉल से हटो सी फोर ध्यान रखना अरे दिखाई नहीं साला कुछ भाई देखो मेरा बजट ज़्यादा नहीं है मैं सिर्फ फोटो एडिटिंग बेसिक गेमिंग के लिए पीसी बनाने के लिए सोच रहा हूँ क्या 3100 लेना चाहिए या फिर उस प्राइस में बेच के कोई एपीयू ले लूँ ब्रो देखो सिर्फ अगर फोटो एडिटिंग का काम है तो वो तो तेरा 2400G से बेहतर होगा ठीक है हाँ बट थोड़ा फ्यूचर प्रूफ अगर लेना है तो आई थिंक आई अप्रिशिएट मतलब तुम्हारे लिए बेटर वो होगा कि अगर तुम 2400G टाइप का लो बट देखो अगर स्पीड की बात करोगे तो 2400G से 3100 इज फास्टर सिंगल कोर परफॉर्मेंस की जो फोटो एडिटिंग एप्स में ज़्यादातर चाहिए होता है ठीक है तो वो चीज़ कितना फास्टर है कैसे अफेक्ट करेगा वो आई कैन नॉट टेल यू बिकॉज आई डोंट हैव दोज प्रोसेसर्स तो अगर तुम सिर्फ यू नो फोटो एडिटिंग के लिए कॉन्टेंट क्रिएशन के लिए चाहते हो तो आई थिंक द बेस्ट विल बी इसी प्राइस रेंज पे 20 ये अपना Ryzen 5 1600 के साथ अगर तुम 1050 Ti टाइप का कोई एक GPU लो जिसमें तुमको हार्डवेयर एक्सेलरेशन भी मिलेगा एंड गेमिंग वेमिंग भी तुम्हारी बढ़िया ही करा देगा वो मतलब बेसिक जितना भी तुमको करना है तो आई थिंक दैट इज अ बेटर ऑप्शन नासिर भाई वेलकम टू द स्ट्रीम हाउ आर यू आई एम गुड मैन आप कैसे हो ब्रो इसके साले स्मोक ही नहीं खत्म हो रहे केडी बचा ले सबसे पैक
5 seconds remaining. कोई बात नहीं, एक और जीतना है बस. मेरा सिंगल कोर 3.7 GHz तक ठीक है, इतना कोर स्पीड. हाँ हाँ ठीक है. तेरा सीपीयू कौन सा है ना सर? वो आई फाइव 3550. हाँ देख, अब 2400G जो है ना, देखो वो सिंगल कोर स्पीड इज ओके, बट डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा जीपीयू तुम उसके साथ लगा रहे हो. अगर उसके साथ तुम 1080 Ti टाइप का लगाओगे तो ऑफ कोर्स तुम्हारा जो सीपीयू है वो बॉटलनेक करेगा ही, क्योंकि आजकल के जितने भी गेम्स है वो सब 4 कोर सीपीयूज दे वांट एटलीस्ट मिनिमम 8 के. पूजा पबजी एमुलेटर से आराम से चल जाता है. हाँ वो चल जाएगा ब्रो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो देखो PUBG एमुलेटर का कहानी है कि वो इंटेल सीपीयूज पे ऑप्टिमाइज होकर बनता है, इसलिए इंटेल के सीपीयूज जनरली खींच देते हैं HD 630 ग्राफिक्स या पुराने जो 2500 ग्राफिक्स उस पे चल जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं होता. अरे क्या हो? तोड़ दिया. कौन सा लिया इन लोगों? माइनिंग लिया क्या? PUBG में लूटर चल जाएगा, बट उस पर क्या आप कोई ऐसा शॉप जानते हो जहाँ तेरा वाला गया क्या? सालों ने वो लगा रखे. लेजन टैग्ड है. तू काहे मरने चला गया भाई? जी जी 1080 Ti नहीं लगाना है फिलहाल. GT710 तो 1080p पे चल जाता है एमुलेटर, लेकिन 1050 Ti लेंगे. ले लेना ब्रो. पहले किचन लेना क्लियर. क्या आप कोलकाता में कोई शॉप जानते हो जहाँ पे MD कंप्यूटर? देखो यार, MD कंप्यूटर से कम या ज्यादा प्राइस तभी तुमको पता चलेगा जब तुम वहाँ जाओगे एंड यू नो ये बहुत सारे शॉप्स में देखोगे. तो एक दिन लग जाता है उसमें. यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू फाइंड आउट. जगह जगह से 3-4 जगह से कोटेशन लेना. यू विल फाइंड कि कहीं पे कुछ सस्ता है, कहीं पे कुछ सस्ता है, एंड देन यू कैन असेंबल दोज पीसेस. That is a better option to go for and do.
Guys, if you are here for the first time, I really appreciate if you do like the stream, do hit the notification bell, and if you guys are following me on Twitch or Mixer, do follow the channel as well, guys. सांस फूल गए आज. Flame 145, welcome to the stream, bro. Hi, कैसे हो? सांस फूलने के बाद तो उसे साथ ही सांस वापस आने के बाद यार इसकी गन इतनी प्यारी है ना, MX4 Storm. कोई एक ये कर दो, एक रिनफोर्स चाहिए बस. रिनफोर्स रिनफोर्स हासन मेरा व्यू साइड करते करते कर दो. दो में बग गए. Op4 is located a bomb, get ready to engage. कासल जल लिया फटाफट मर जाओ. भाग जाए यहाँ से, मरेगा नहीं. अरे अरे ये इधर लाइब्रेरी में है. आईक्यू साला गंदा मरा मैं. अलमन मथुरा वेलकम टू द स्ट्रीम. एएमडी लेटेस्ट सीपीयू लॉन्च डेट. व्हिच सीपीयू आर यू टॉकिंग अबाउट अलमन ब्रो? कौन से सीपीयू की बात कर रहे हो? गाइस इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम रियली अप्रिशिएट इफ यू डू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल्स को हिट करो, तभी हम लोगों का जो कॉन्टेंट है वो मैं और अच्छे तरीके से लेके आ सकता हूँ. ठीक है. एंड अलमन ब्रो कौन से सीपीयूज की बात कर रहे हो मेरे भाई? सालो एक ही कैमरा बचा है और कोई कैमरा ही नहीं है. ऊपर से तोड़ रहे. शॉटगन से मार जोटी. ड्रोन कर रहा है. आया पुनीता यहाँ से आ रहा है. वही जा मीरा बोल के पास था. ध्यान रख. फ्यूज फ्यूज बाहर से नहीं आएगा, आएगा अंदर से. तू कैसे मर रही? नीचे से मारा उसने फ्लैश. जब तक लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद से मिल जाएगा. वहां से दीवार खुली है फिर. ओल्ड मारो मत रहता हूँ. टाइम नहीं. Hold. Reload मत कर. 10 seconds left. Hold on. 5 seconds to go. Op 4, last operator standing. GG. Hold. Oh, nice. बढ़िया जॉट. 3300X bro, I think जून के मिड में होने की उम्मीद है, बट इंडिया में मिलना थोड़ा मुश्किल है, वो इश्यू है. अलमन भाई कहाँ से हो आप? गेमिंग विद अनस वेलकम टू द स्ट्रीम. भाई कैन वी स्ट्रीम पबजी मोबाइल ऑन i7 3770? हाँ, अगर एक 1650 सुपर टाइप का एक जीपीयू ले लो तो अच्छी क्वालिटी में आई थिंक यू कैन स्ट्रीम. 3770 है मेरे पास. आई विल बी मेकिंग अ स्ट्रीमिंग काइंड ऑफ पीसी विद 1650 सुपर एंड उसके बाद उसके ऊपर काफ़ी सारे बेंचमार्क्स में लेके आने वाला हूँ, बट मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है. तो यू गाइस सपोर्ट द चैनल एंड नोटिफिकेशंस ऑन करके रखना, जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो तुम लोगों को पता चल जाएगा.
एंड इंस्टा पे गाइज हाइलाइट्स काफ़ी सारे मैं शेयर करता हूँ, वहाँ पे भी जाके तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। कम ऑन गाइज, 20 लाइक्स का एम था, अभी तक 20 नहीं हुए, 15 ही हुए सिर्फ। विद जी टी 1030 थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे भाई। 1030 पे दिक्कत ये है कि एक तो मतलब मैंने ट्राई नहीं किया है बेसिकली, और दिक्कत हो सकती है। 720p लो सेटिंग्स पे आई थिंक 1500-2000 मेगाबिट पे तो हो ही जाएगा, बट मेरे को ऐसा लगता है कि वो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वैसे तो चल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होती है, बट मेरे पास है नहीं तो मैं चेक नहीं कर सकता 1030 के साथ, अदरवाइज तो मैं चेक करके ही तुम लोगों को बताता हूँ। वेर इन्फोर्स कर दिया सब कुछ, कैन वी स्ट्रीम पबजी मोबाइल? डिपेंड करता है ब्रो, नहीं नहीं हट 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 हट, तोड़ता हूँ उसको। सॉरी भाई, हील कर ले। अबे एक कैमरा कैसे टूट गया? ले जा रहे थे एक मार। बाहर रैपल कर रहा है ना? नहीं आप भी आए मार के, येलो ओ भाई मारा ये वाला। हां सीढ़ी वाला बड़े मैच। अबे उस रूम का जो बड़ा सा रूम जो प्रोफेसर है ना, वहां पे कोई कैमरा तोड़ दिया मेरा। होल्ड वन वैसे वो देखो मैं वहां कर रहा हूं, ऊपर ऊपर मार मार मार, जल्दी जल्दी अभी भी मार सकते हो, कोई आ रहा है लेकिन ऊपर से। अरे रे पैक्ड है बहुत ज्यादा। एक सेकंड स्लिंक बेस्ड, एक सेकेंड कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग? हाँ भैया वो करते हैं पेंटियम जी फोर के, उनका वो बोलते हैं सीपीयू एनकोडर मत ऑन करना, क्विक सिंक ऑन करके। भाई देखो मैंने नहीं ट्राई किया तो हो सकता है हो, मेरे पास जब तक आएगा नहीं मैं तुम लोगों को रिकमेंड नहीं कर सकता ना, सिर्फ अगर मेरे पास होता तो मैं रिव्यू करके तुम लोगों को कर देता, बट जब तक नहीं है। कोई बात नहीं ब्रो, अगर क्विक सिंक यूज कर रहे हो तो फिर तो सीपीयू एनकोडर यूज होगा ही ना, तो ट्राई कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर, जब भी मेरे पास आएगा आई विल ट्राई एंड टेल यू व्हिच इज द बेस्ट अल्ट्रा बजट जीपीयू 1650 सुपर गेमिंग विद अनस। 1650 सुपर 980p पे गेमिंग के लिए बेस्ट है। नहीं नहीं 1080p पे गेमिंग कर सकते हो ब्रो 1650 सुपर से। भाई 1650 1080p गेमिंग करा देगा, 1650 का परफॉर्मेंस इज लाइक GT RX 570। ठीक है तो RX 570 गेमिंग करा ही देता है आज की डेट में, गेमिंग तो सारे गेम कार्ड करा देंगे, बट 1650 सुपर जो है उसके अंदर जो एनकोडर चिप है उससे तुम रिकॉर्डिंग या स्ट्रीमिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। विच OS इज बेस्ट फॉर अल्ट्रा बजट GPU? OS मतलब ब्रो विंडोज 10 ही यूज़ करोगे अब तो, मतलब कि अगर कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करना है सपोर्ट तो तुम्हारा नेटिवली विंडोज 10 ही यूज़ कर रहे हैं। 1650 सुपर इज अ लॉट एक्सपेंसिव फॉर मी, देन ट्राई गोइंग फॉर RX 570 इन द सेकेंड हैंड मार्केट।
ब्रो वैलकरी तेरे पास वो है क्या? रुक बताता हूँ साले मरता भी जॉटी रुक सुन इसका जो छेद है ना यहाँ पे अपना वो मार C4 रखना और ये देख इसके अंदर इधर है इधर कहाँ है यहाँ से इस रूम से ब्रो इसके अंदर हाँ इसके अंदर यहाँ पे डाल दे या इसके नीचे डाल दे इधर थोड़े करने तो फायदा नहीं ना अरे वो प्लांट करने आ सकते हैं ना कभी भी यही तो हाँ इसके अंदर डालो बस प्लांट के लिए कवर करना उसको हाँ कर सकते हैं 8.1 कर सकते हैं बट 8.1 का भी सपोर्ट ऑफ ही होने वाला है तो मत लो अभी तो अरे अरे कहाँ से बाहर से निबाना लटके मारी ऊपर से ऊपर से सब कोकोनट ब्रा का ट्रिक यूज कर रहे हैं लेकिन अब 10 है तो विंडोज 10 यूज करो ब्रो 8.1 काफी लैगी है अपडेट्स नहीं आते हैं बहुत दिक्कत भी है भाई ट्यूरिक क्या होता है ट्यूरिक आर्किटेक्चर है ब्रो जैसे एनवीडिया के अभी जो 900 सीरीज के कार्ड थे 9000 सीरीज के तो दे आर पास्कल बोलते थे उसके बाद जो ये आई 10 वाले नहीं मैक्सवेल थे जो 900 सीरीज वाले थे वो मैक्सवेल थे उसके बाद ये पास्कल आए भाई रैम शेयर करके कर सकते हैं जीपीयू के साथ नहीं नहीं रैम नहीं शेयर कर सकते अगर आईजीपीयू यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन नोमैड लेके खेल लेते हैं थोड़ा भाई 4GB RAM enough for 2-3 years हाँ खेल सकते हो बट देखो अब जो है टेरिटरी चेंज हो गई है 4GB RAM अगर है तो तुम मतलब e-sports titles and ये सब जो games है ये खेल सकते हो Slink अगर 8GB RAM है तो ultra settings पे तुम game खेल पाओगे because ultra texture के लिए ज़्यादा VRAM की ज़रूरत होती है
its location and defuse it. You must recover the diffuser. The diffuser has been secured. नीचे मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है। My device is ready. One op 4 remaining. Bringing replicator online. बॉम्ब किसके पास है? फ्रॉस्ट इधर है, फ्रॉस्ट इधर है, जहाँ मार के लिए दूसरी साइड से जा भाई। एक बॉम्ब ले यार, यू टर्न पे है। प्लांट करो 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 प्लांटिंग प्लांटिंग प्लांट करो। 5 सेकंड्स लेफ्ट, एक नोमैड लगा दो यहीं गेट पे। दूसरे साइड से आके देख के आना, रोटेट करके यार। आई नहीं रूम, अरे रे घूम के गई है। जी जी गेमिंग विद अनस, कैन वी प्ले पबजी मोबाइल ऑन i7 विदाउट जीपीयू ऑन? आई विल ट्राई, मैं तुम लोगों के लिए, बिकॉज तुम लोग i7 में इतना ज़्यादा फिक्सेटेड हो, आई एम गोइंग टू ट्राई दैट। मैं बेंचमार्क्स डाल दूंगा, क्या हम लोग i7 पे गेम कर सकते हैं कि नहीं एमुलेटर वाला। अब तुम लोगों को एमुलेटर ही खेलना है तो साला उसी का बेंचमार्क बना देंगे, अब क्या ही कर सकते हैं। पैक कर दो, मैं वो दीवार नहीं छोड़ूंगा खाली, पूरे रेनफोर्स पूरे करेंगे। क्या स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी यही है, मीरा नहीं ले रहा मैं, अरे था अच्छा रहना, लेकिन उनके पास कोई नहीं। तुम ब्लॉक करो, कासल ले ले प्रिंस। मीरा ले लेता हूं मैं, तुम लोग ले लो कुछ। ठीक है ले लो प्रिंस, तो कासल ले बस, बैंडेड कार्ड जो लगा सकते लगा देंगे। ट्रैपर नहीं है अभी यहां, ट्रैपर का काम नहीं आएगा यहां, बंद करने का काम आएगा। बस ऊपर का ध्यान रख, मैं हैच पे लगा दूंगा कार्ड। वैसे वो स्लेज लाएंगे। Protect the bombs. बता कहाँ लगाना? मेरा एक तो यहीं पे मेन यहाँ पे। मार्क कर दे। हाँ। हाफ ऑफ कर रहे हो, फुल कर रहे हो उसको? नहीं पूरा ही पूरा करेंगे। थोड़े ही कुछ जवाब। Wall fortified. यहाँ पे एक शील्ड लगा दो अगर कोई लगा सकता है। Five seconds
कहाँ करना है रीइंफोर्स बता दो। कर रहा हूँ कर रहा हूँ भाई। यहाँ पे ड्रोन है ब्रो। मैं 3500 मेगाबिट पे 720p कर रहा हूँ एंड एनवेंक एनकोडर यूज कर रहा हूँ। दूसरा मेरा कहाँ लगाऊँ बताओ, किसी को चाहिए? यहाँ पे पीछे कर, जोड़ी जोड़ी हल्का से पीछे कर। कहाँ पे बता? वहाँ क्या दूसरा वाला एंट्री देखना, वो छूट गया तो कांड हो जाएगा। ऊपर के हैचेस नहीं है ना। सिद्धार्थ हाय वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। विच सीपीयू एंड जीपीयू आर यू यूजिंग? एनएस मैं राइजन 7 1700 एंड 1650 सुपर ये दोनों यूज कर रहा हूँ। हाय सिद्धार्थ ब्रो, जीपीयू एनकोडिंग करने से स्ट्रीम करेंगे तो वीराम इफेक्ट होगी क्या? ब्रो वीराम ऐसे इफेक्ट नहीं होता है, वीराम नहीं उसका जीपीयू कैपेसिटी इफेक्ट होता है। इधर क्या है भाई? ओ जी जी कौन है? एयर जैप वाली माता। घुसने नहीं देना सालों। हाँ सब अंदर हूँ बढ़िया। आ रही आई क्यू C4 लगाया उसने। क्या हो गया? ये तोड़ रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया डॉक्टर। डॉक्टर मेरे को कवर दे, मेरे को मार रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हैं? थर्माइट अंदर आ गया। डाउन का मतलब? कहाँ दोनों? क्या कर रहा भाई? क्या बोल रहा था ये? हैं? अरे तो मर ही जाते ना भाई दोनों, जोफिया अगर होते उसके अलावा। अरे वहीं पे पड़ा हुआ था पता है, मैं रुक जाता तो बच जाता, डिफ्यूजर वहीं पड़ा हुआ था। भाई गलत कॉल आउट्स मत दिया करो यार। नहीं नहीं सॉरी की बात नहीं है, मत दिया करो वरना जीत गए थे हम लोग। दो सेकंड होल्ड करना। हाँ रोटी उसने ना दोनों डाउन। उन्होंने बोला ना, डॉक्टर ने बोला दोनों ठीक है यार जो हुआ। कोई बात नहीं चोई, कोई नहीं होता रहता है। वैसे भी मैं कौन सा प्रो हूँ, कौन सा खेल जिता ही देता। चलो ये ठीक से करो। ये लोग क्या लेंगे, किचन लेंगे क्या? अगर थैंक यू माय फ्रेंड्स, थैंक यू। ये लोग भी हमारी तरह करेंगे इसका मतलब। सारे खत्म ब्रो। 4700G का प्राइस अराउंड 27,000 से 28-30,000 तक हो सकता है। बिकॉज इट इज़ क्योंकि वो दे तो तुमको 8 core 16 30 रहे जो तुम्हारे अभी 2700 वगैरह हैं और 3700 एक्स है उसके आसपास का परफॉर्मेंस होगा तो इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट समथिंग लाइक दैट ओनली। Bye.
ऊपर है क्या कोई? कहाँ पे? क्या रूम में क्या? ले ले यार, गंदा हो गया एकदम। ना ना खेल रहा हूँ। क्लच केडी खराब करोगे। हाँ एक ही लाइन में मरे हो, बताओ। ठीक है बात भाई। नावी वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो, क्या हाल चाल? सैडी हो गया अपने साथ तो। वीबी आजकल प्रो खेलता है एकदम भाई, गॉड बट मजा आ गया देख के। क्या हाल चाल है लौंडे? गाइज अगर स्ट्रीम पे पहली बार हो तो लाइक पक्का कर देना स्ट्रीम को पहले तो, एंड उसके बाद सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल एज वेल, ताकि मेरा कोई वीडियो है तो तुम लोगों को पता चल सके। लेटे लेटे गिरा। ओह नो। ओ नीचे से भी आ रहा था। तो गल में। हाँ चारों तरफ से आ रहा था। बाय बाय सिद्धार्थ ब्रो। थैंक यू फॉर द 19 मैन। अप्रिशिएट इट अ लॉट सिद्धार्थ। शाउट आउट टू यू ब्रो फॉर सपोर्टिंग द चैनल। एंड 20 लाइक्स का इंतजार। 20 लाइक्स हो गए। गजब। जी जी वेल प्लेड गाइस। जीता जीता आ रहे गए। हाँ यार, क्योंकि ना मेरे को दौड़ना ही नहीं चाहिए था, मेरे को वो डिफ्यूजर दिख रहा था, मैं नहीं दौड़ता तो जीत जाते। एक ही बात भाई नावी, भाई बोल क्या हो गया? मैं दौड़ना चाहता हूँ फिरना चाहता हूँ। क्या रुकना नहीं चाहता। हो गया, बाद में खेलें फिर। नहीं जॉर्टी तो रीस्टार्ट। नहीं नहीं मेरे को निकलना पड़ेगा, हो गया मेरा 3 घंटा। चलो गाइस तुम लोग खेलो। बाय बाय। जा रहे हो? हाँ जा रहा हूँ, अभी रात को खेलूंगा तब आ जाना। ठीक है ठीक। हम थोड़ा अपने शरीर को थोड़ा चला के आए, इधर उधर पसीना निकालो थोड़ा। सही का तुम्हारा 49 का वीडियो देखा, पर ये सीपीयू यूजेबिलिटी क्या है? क्योंकि शायद उस प्राइस पर सीपीयू प्लस जीपीयू कॉम्बो मिलेगा, पर ये सीपीयू यूजेबिलिटी क्या है? मतलब ब्रो यू आर गेटिंग 8 core 16 thread सीपीयू, यू आर गेटिंग बेसिकली राइजन 7 3700X प्लस एक ऐसा जीपीयू मिलेगा जिसके साथ यू कैन यू नो स्ट्रीम एंड मतलब नॉट स्ट्रीम बट तुम्हारे जो वेगा 8 and 11 जो मिल रहा था हमको फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन में, तो इन दैट केस यू आर गोइंग टू गेट मोर परफॉर्मेंस आउट ऑफ दैट। ठीक है, एंड 50% तक पर कोर, बिकॉज वेगा आर्किटेक्चर ये RDNA नहीं यूज किया है इन्होंने। तो छोड़ो। हाँ ब्रो मैं छोड़ू। ठीक है, तो दैट इज द इशू। एंड यू नो मतलब उससे क्या है, तुमको
करीब लेट्स से अगर 6-7 कोर्स पे मिलते हैं जो एक्सपेक्टेड है, तो 7 कोर्स मतलब यू आर गोइंग टू गेट समवेयर अराउंड वेगा 8 का डबल परफॉर्मेंस, जो वेगा 8 पे मिलता था हमको 2200G के साथ उसका डबल, यानी कि तुम सोच सकते हो 1080p लो सेटिंग्स पे यू आर गोइंग टू गेट 30 से 40-60 FPS के बीच में, एंड 720p पे 60 FPS ऑन मीडियम एंड लो सेटिंग्स। तो उस तरीके से वो चेंज होगा पूरा स्ट्रक्चर। तो जब तक निकल के नहीं आता तब तक वी कांट यू नो कॉमेंट मच। एंड साथ ही मूवीज हाय वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो, क्या हाल चाल है। वी आर गोइंग टू फिनिश ऑफ द स्ट्रीम गाइज। मैं हर रोज स्ट्रीम करता हूँ दोपहर को, तो यू गाइज कैन कम एंड ज्वाइन मी इन द इवनिंग। पर प्राइस देखो यार 3700X के आसपास ही होगा, 27,000 के आसपास, बिकॉज उससे कम तो नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही हो सकता है। ठीक है मूवीज भाई कैसे हो। आज का तो स्ट्रीम खत्म हो गया, कल फिर से मिलेंगे अपन। कल जो है गाइज सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल हिट करो, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू गेट द नोटिफिकेशंस। ठीक है 35 भाई मदरबोर्ड तो ठीक है, बट मतलब किस प्लेटफॉर्म का मदरबोर्ड चाहिए वो तो बता दे। प्राइस लोग बता देते हैं बट प्लेटफॉर्म भी बता दिया करो ना। मैं तुमको बोल दूं कि भाई तुम B65 वाला ले लो जो पुराना आता था, तो कैसे काम बनेगा। नहीं नहीं मैं तो निकल रहा ब्रो। आई हैव सब्सक्राइब्ड यू बट वाई माई नेम इज नॉट कमिंग ऑन स्क्रीन ब्रो, बिकॉज आई थिंक तुमने ना अपना सब्सक्रिप्शन स्टेटस जो है वो पब्लिक नहीं किया है, तो इसीलिए जो पब्लिक करते हैं सिर्फ उन्हीं का आता है, तो वो देखना। नहीं नहीं आसूस नहीं ब्रो, कौन से प्लेटफॉर्म का मदरबोर्ड चाहिए, मतलब इंटेल के लिए चाहिए, एमडी के लिए चाहिए, इंटेल का कौन सा जनरेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट, या एएमडी का जो राइजन वाली जनरेशन है या उससे पिछले बुलडोजर वाले जनरेशन का, वो पूछ रहा हूँ मैं। जनरेशन कौन से सीपीयू के लिए चाहिए मेरे भाई। विच सीपीयू डू यू वांट। रैंक कितने हो गई, 827 801 या 2 से शुरू किया था शायद आज। अरे बाबा मॉडल एथलॉन, अच्छा उसके लिए भाई गेमिंग मदरबोर्ड नहीं, तुम एक काम करना B350 का तो अगर खैर मिलेगा नहीं अभी, तो B450 का कोई मदरबोर्ड लो अगर तुमको ओवरक्लॉकिंग करना है, बट एथलॉन वैसे ही तुमको ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है तो कौन सा एथलॉन, 220 200G या 3000G, उन दोनों में से कौन से की बात कर रहे हो आप। And Siddharth, thanks a lot for the 19 rupees, bro. Appreciate it a lot. Whenever somebody supports the channel, I really appreciate it a lot. मेरे दिल से धन्यवाद निकल रहा है तुम लोगों के लिए। AMD ने किया नया GPU जो 1660 Super को टक्कर दे सके, वो कब आएंगे। 1660 Super को टक्कर देने वाला CPU अभी वो लॉन्च करेंगे अपने RDNA 2 जनरेशन, या अगर तुम लोग बात करोगे तो उस टाइम पे आएंगे। 3.2G क्या होता है ब्रो, 3000G की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है। एथलॉन 3000G पे गेम चलता भी है, यस ब्रो चलता है, ई स्पोर्ट टाइटल्स विल वर्क बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं दिक्कत तो खैर मतलब वेगा 3 GPU है तो कितना ही चला लोगे, बट उस हिसाब से जितना तुम चला सकते हो उतना। ठीक है अभी देखो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ AMD GPUs जो आएंगे उसमें बहुत एक्सपेक्टेड है कि अच्छा कुछ आएगा। 3000G ब्रो मत खरीदो मेरे हिसाब से, अगर तुम्हारे पास थोड़ा पैसा है तो गो फॉर ए, चाहे A320 मदरबोर्ड पे जाओ, बट गो फॉर ए राइजन 320 200G, दैट इज़ अ सुपीरियर CPU, सुपीरियर GPU। अगर तुमको को गेमिंग करना है बेसिक लेवल का तो तुम लोग कोई भी गेम खेल सकते हो। 200G होगा ब्रो, 2000G नहीं होगा, तीखी बात। गाइज अगर मैं फेसबुक पेज एंड मिक्सर पे भी स्ट्रीम करता हूँ, आई थिंक तुम में से मैक्सिमम लोग फेसबुक पे हो, एंड इंस्टा पे गेम हाईलाइट्स अपलोड होते हैं, तो अगर तुम लोग इंस्टा पे फॉलो करोगे तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ गेम हाईलाइट्स एज वेल। कोई बात नहीं, तीखी बात ब्रो, सब्सक्राइब कर लेना, हिट द नोटिफिकेशन बेल, एंड रेस्ट ऑल बुलशिट तुमको पता ही है। चलो आज हमने 20 का एम लाइक रखा था, 21 हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। कल हम लोग 30 का रखेंगे एंड देखते हैं तुम में से कितने लोग आते हो। आई होप तुम लोगों को आज का स्ट्रीम पसंद आया होगा। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते, शुभ रात्रि, शबा खैर, अनुपम खैर, सब खैर, कैलाश खैर, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू ब्रो, तीखी बात।
टेक केयर, बाय बाय, चलो चलते हैं।